नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपके बच्चे को हल्के फुल्के बुखार आ जाती है और उस केस में आप डॉक्टर के पास में नहीं जा पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी कोई गार्जियन घर पर नहीं रहता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण लोग डॉक्टर के पास में नहीं पहुँच पाते, उनके बच्चे को बुखार आ जाता है तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा सिरप लेके आए हैं जो कि आप अपने घर पर संभाल के रख सकते हैं और इस सिरप का जब भी आपके बच्चे को बुखार आ जाए तो इसका प्रयोग करवा दीजिए ताकि उसका बुखार नॉर्मल हो जाए। फिर जाके आप किसी डॉक्टर के पास में विजिट करिए और वहाँ पे उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। तो दोस्तों इसका नाम है सुमोल डीएस जो है सिरप काफ़ी अच्छा सिरप है, काफ़ी जल्दी ये आपके बच्चे के बुखार को नॉर्मल कर देता है। यानी अगर आपके बच्चे का बुखार बहुत ज़्यादा है उस केस में अगर आप सुमोल सिरप देते हैं तो काफ़ी जल्दी उसका बुखार जो है नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पैरासीटामॉल की मात्रा डाली गई है वो 250 mg है। 250 mg पैरासीटामॉल की मात्रा होने के कारण ये बहुत जल्दी काम करता है, वह फास्ट काम करता है। दोस्तों अक्सर आपने कोरफ्लाम, कॉम्बिफ्लाम या फिर आइबुजेसिक सिरप देखा होगा, लेकिन उसमें जो पैरासीटामॉल की मात्रा होती है वो 162 mg होती है, लेकिन जो सुमोल डीएस सिरप है इसमें डाली गई है 250 mg, जिससे इसका वर्क जो है जस्ट डबल हो जाता है। अगर आपको जैसे आपने कोरफ्लाम या कॉम्बिफ्लाम सिरप का प्रयोग करवाया अपने बच्चे को तो बुखार जैसे 2-3 घंटे लग गए उतरने में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, लेकिन अगर आप सुमोल सिरप का प्रयोग करवाते हैं तो उस केस में जो आपका 2-3 घंटा लगा था बुखार उतरने में वो 1 घंटे से कम के अंदर आपके बच्चे के जो सर पर बुखार था या फिर बॉडी में बुखार था बहुत ज़्यादा वो जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। तो दिखाते हैं दोस्तों ओवरव्यू कैसे दिखता है। तो आप इमरजेंसी के तौर पे इस सिरप को आप अपने घर पे रखिए ताकि अगर आपके बच्चे को कभी अगर जैसे मान लीजिए आप ठंडी का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो बच्चों को अक्सर सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो इमरजेंसी के लिए आप इस सिरप को रखिए घर पे और जब भी आपके बच्चे को बुखार आए तो उस केस में बच्चे को पिला दीजिए और बुखार जब नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद में आप किसी नियरेस्ट डॉक्टर के पास में जाके विजिट कर लीजिए और वहाँ से सारा अपना आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए अपने बच्चे का। तो दोस्तों दिखाते हैं सुमोल सिरप का ओवरव्यू। कोई खास महंगा भी नहीं सिरप, इसको आप घर पर हमेशा रखिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो देख लीजिए ये है इसका ओवरव्यू। ये है सुमोल, यहाँ पर सुमोल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चे की इमेज डाली गई है प्लस इधर इसकी MRP डाली गई है। MRP इसकी है 37 रुपये, 36 रुपये में आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसे जाके खरीद सकते हैं और इसका प्रयोग करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं किस एज के बच्चे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो बच्चे 1 साल से ऊपर के हैं वो बच्चे इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 साल से लेकर 7 साल तक बच्चे इसका प्रयोग कर सकते हैं। डोज लोगों का अलग अलग होगा, जैसे अगर आपका बच्चा 1 साल से लेकर और 4 साल के बीच में है तो डोज इसका जो है 5 ml होगा और 4 साल से ऊपर का है तो 7 ml तक भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। इसका जो प्रयोग करवाना है आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इसका प्रयोग करवाना है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देता है। काफ़ी डॉक्टर्स इसे चलाते हैं और बताते हैं कि इसका जो रिस्पांस हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जो भी पेशेंट उनके पास में लेके जाते हैं सुमोल सिरप वो बताते हैं कि उससे उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। दोस्तों इसकी जो कंपनी है वो अल्केम कंपनी इसे मैनुफैक्चर करती है और उसे सेल भी करती है। दिखाते हैं इसका बॉटल कैसे दिखता है। तो देख लीजिए ये इसका बॉटल है, ये सुमोल सिरप का, और इसका जो ढक्कन होता है प्लास्टिक वाला ऊपर वाला ये होता है 15 ml का। तो इसमें सारे ml दिए हुए हैं, आपको 5 ml पिलाना है, 5 ml यहाँ तक होता है। आप देख लीजिए नीचे वाले इसमें लिखा भी हुआ है 5 ml, 5 ml सुबह में, दोपहर में, शाम में पिलाना है अगर आपका बच्चा 1 साल से लेके 5 साल तक है तो आप इमरजेंसी के तौर पे इसको अपने घर पे रखिए। अगर आपके बच्चे को हल्के फुल्के सर्दी जुकाम होती है तो उसके इसमें आप इस सिरप को पिलाइए, इससे काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और अगर इससे ठीक नहीं होता है तो उसके इसमें आप किसी नियरेस्ट डॉक्टर के पास में जाइए, वहाँ पर जाके उसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके इसमें बिना किसी एंटीबायोटिक दवा के ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए आप पहले इस सुमोल सिरप का प्रयोग करवाइए, अगर इससे रिलीफ नहीं होता है तो उसके इसमें आप किसी नियरेस्ट डॉक्टर के पास में जाके सलाह ले सकते हैं और उसके बाद में दवा भी करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो, जो जानकारी हमने आपसे ना शेयर की हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।